अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं तुम्हारी शिवानी। मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने मॉम डैड के पास जाना है। नहीं नागार्जुन, यही हमारा घर है, तुम्हारा घर है, नागार्जुन और शिवानी का घर। मेरा नाम रोहित है, मैं किसी नागार्जुन को नहीं जानता। छोटे मालिक, गॉड आप ठीक है, मतलब हमारी तो दीदी हो गई थी। राज, राज हो यू? और आपको कहां से पता कि हम राज हैं? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? नहीं राज, मेरे भाई मुझे बचा ले, मुझे घर ले चल। क्या तुम मुझे पहचानते हो? क्या तुम मेरे नागार्जुन हो? नहीं, मैं नागार्जुन नहीं, मैं राज हूं। मुझे आज पता लगाना ही होगा कि मेरा नागार्जुन कौन है। रोहित, रोहित, मेरे नागार्जुन हो, देखो मुझे ध्यान से देखो, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है? यहाँ पे बिताया एक एक पल, शिवानी और नागार्जुन का एक एक पल। नागार्जुन, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है? क्या तुम्हें हमारा प्यार याद नहीं है? हम दोनों का प्यार, शिवानी और नागार्जुन का प्यार। बोलो, तुम मुझे जानते हो ना नागार्जुन? ठीक है, तुम्हें कुछ याद नहीं है ना, तो मैं तुम्हें याद दिलाती हूं। ये देखो, महादेव, क्यों मेरा इम्तिहान ले रहे हो? महादेव, क्यों मुझे ये नहीं पता कि इन दोनों बच्चों में से मेरा साथी कौन है? मेरा सच जानना बहुत जरूरी है, और इसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है।
नागलोक के हर एक सदस्य के तलवे पर तुम्हें चिन्ह दिखाई देगा। जिसके पांव के तलवे पे वो निशान होगा वही मेरा नागार्जुन होगा। तलवे पे वो निशान नहीं है, इस पे से मेरा नागार्जुन कोई भी नहीं है। तुम्हारे प्रेमी नागार्जुन का पुनर्जन्म हो चुका है, इस बात का पता सिर्फ एक ही व्यक्ति लगा सकता है। कौन गुरुदेव? तुम। मेरे गुरुजी की गणना गलत नहीं हो सकती, मेरी तपस्या गलत नहीं हो सकती। हमें जाने दो, हम नागार्जुन नहीं है। प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। हम इंसान नहीं है जिसे हम ढूंढ रही हूँ, नागार्जुन नहीं है। रोहित, रोहित, राज, रोहित, राज, रोहित, राज, राज, सांप, सांप, सांप। प्लीज मुझे घर ले चलो। बाबा, बाबा हमें बहुत डर लग रहा है। बस बस बेटा, बाबा है ना तेरे साथ, अब डर का कोई बात नहीं। तुम दोनों यहाँ आए थे? हाँ, तुम दोनों तो बाल का पीछे पीछे भाग रहे थे ना, फिर यहाँ कैसे? हाँ बाबा, छोटे माले बाल के पीछे फास फास भाग रहे थे और उनका पैर स्लिप हुआ और नीचे बाल हो गए। हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। क्या बचपना है, एक बॉल के लिए को इतना बड़ा रिस्क लेता है। डैड, मैं बॉल के पीछे नहीं गया था, वो लड़की मुझे लेके गई थी। लड़की? कौन लड़की? कौन लड़की, कौन थी वो? वही जो मुझे यहाँ पे भी लेके आई। ये दोनों तो मेरे बारे में सब कुछ बता रहे हैं, अब मैं क्या करूं? मेरे बारे में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए, वरना सच सच में कभी नहीं जान पाऊंगी। बोलो, कौन थी वो लड़की? अब एक ही रास्ता है। तुम जानते हो उसे? मिल चुके हो उससे पहले? हाँ डैड। डैड, डैड, कुछ भी क्लियरली याद नहीं आ रहा है। वो लड़की के पीछे मैं गया और फिर वहां पे एक ह्यूज स्नेक आ गया। सांप? हाँ, और मैं गिरता गया उस लड़की ने मुझे हवा में कैच कर लिया और मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया मैं यहाँ पे था मंदिर में। हवा में कैच कर लिया? और तुम कहाँ थे उस समय? छोटे मालिक का फिर स्लिप होके फॉल हुआ, हम पीछे भागे तो जब हमने नीचे देखा तो नीचे कोई भी नहीं था। हमें मंदिर के घंटे की आवाज सुनाई थी तो हम यहाँ आ गए। तो जब तुम यहाँ पे आए तो तुमने कुछ देखा? फिर जब यहाँ, हाँ जब यहाँ पहुंचे तब याद करो राज, तुमने यहाँ पे किसी को देखा, किसी लड़की को? नहीं, फिर कुछ याद नहीं आ रहा है। जब तुमको होश आया तुमने किसी को देखा, कुछ याद है क्या तुम्हें? वो औरत, वो सातों में फिर से दिखाई दिया? साहब,
यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रहा हो, जैसे भी घर पे सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। चलो चलो। ले जाके जला दे। मेरा बच्चा बच गया। ये बात सुन, आज के बाद तू अकेले बाहर कहीं नहीं जाएगा, समझा? कुछ हो जाता तो। हाँ, बहुत हो गया ये खेल तमाशा, अब तू घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखेगा, समझा कि नहीं? मेम साहब, अब हम इसको भी घर लेके जाएं का, बहुत थक गया है। हाँ जा, ले जा। हाँ चलो। अरे प्यारे भांजे, कुछ आइडिया भी है तुमको? तुम्हारे चक्कर में हम सब कितना बौखला गए थे। पानी तो क्या, खाना तक हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। अरे बिंदिया, अरे तनिक चटनी तो ला, सूखा सूखा ब्रेड दे दिया है। रोहित बाबा, आपका कुछ याद है? वो लड़की दिखने में कैसी थी, का बोल रही थी, का पहने हुए थी, कुछ भी? कुछ याद है? ध्यान से याद करो मेरे प्यारे भांजे, कहीं वो लड़की इच्छाधारी नागिन तो नहीं थी? कभी लड़की, कभी नागिन, कभी लड़की, पैटर्न तो बिल्कुल वैसा ही है। हम सीरियल फिल्मों में बहुत देखे हैं, क्यों नैना? हाँ आप सही कह रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं? कुछ भी कह जा रहे हो छोटे, देख नहीं रही हो बच्चे पहले से ही डरे हुए हैं, तुम चुप रहो। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो अंदर चलो सब, चलो। ठाकुर साहब। कहिए। जंगल में हमने एक लाश देखी है। इंस्पेक्टर, ये अनंत ठाकुर का बंगला है, किसी ऐरे गहरे का नहीं। तुम्हें जंगल में लाश मिली है, ये कोई सरकारी जगह नहीं है। चले आए यहाँ तफ्तीश करने। मयंक, उसके पॉकेट से जो आई कार्ड मिला है उस पर यहाँ का एड्रेस लिखा है, इसे कोई पहचानता है? साहब, ये तो दया। दया? ये साहब बचना नहीं चाहिए, समझे? घर से दूर जलाना और किसी को बताने की कोई जरूरत ना है। संभालो अपने आप को, इसे अंदर लेकर चलो। इसकी मौत कैसे हुई? सांप के डसने से। सांप के डसने से। तुम्हें कैसे पता कि उसको सांप ने काटा है? उसकी बॉडी पूरी नीली पड़ गई थी, तो हमें शक हुआ शायद इसे सांप ने ही डसा होगा। इंस्पेक्टर साहब, बॉडी नीली पड़ जाए तो शक नहीं होता, पक्का सांप ने ही काटा होता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। कागजी कार्रवाई के लिए आप पुलिस स्टेशन किसी को भेज दीजिएगा, हम बॉडी उसी को दे देंगे। हाँ, मैं इंतजाम करता हूँ। ये सब क्या हो रहा है साहब? हमारा अतीत हमें वापस डसने आ गया, अब कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। सब कुछ नहीं लक्ष्मण, कंट्रोल में रहो। कैसे कंट्रोल करें साहब, आप ही सोचो। पहले घर में उस सांप का पकड़े जाना, फिर बच्चों का सांप को देखना, उनका मंदिर पहुंचना, और अब ये वॉचमैन का सांप का डसने से मौत। ये सब कुछ एक साथ एक का बाद एक हो रहा है साहब, सोचो सोचो साहब। बोलो। जी साहब जी।
घर के सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करो, और ध्यान रहे मुझसे पूछे बिना कोई बाहर नहीं जाएगा। जाओ, तुम चलो मेरे साथ। ऐसी बिजली गड़गड़ा रही थी, तेज तेज हवाएं चल रही थी, वो रात फिर लौट आई है साहब। बकवास बंद करो लक्ष्मण, मेरा दिमाग वैसे ही फिरा हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जे तो शिवानी, नहीं गुरुदेव नहीं, मुझे आपका कोई एहसान नहीं चाहिए। शिवानी, धोखा दिया है आपने मुझे, मुझसे झूठ बोला है गुरुदेव। मेरी इतने सालों की तपस्या और मेरे विश्वास का मजाक उड़ाया है आपने। हम कुछ समझे नहीं। समझी तो मैं नहीं गुरुदेव, कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपने मुझे ये कह के क्यों बहकाया कि उन दोनों बालकों में से एक बालक मेरा नागार्जुन है। बहकाया नहीं शिवानी, हमने जो कुछ कहा है सत्य कहा है। ये सत्य नहीं है गुरुदेव, उन दोनों बालकों में से एक भी बालक मेरा नागार्जुन नहीं है। असंभव, असंभव है ये। असंभव नहीं है गुरुदेव, उस रात आपकी दी हुई नागमणि को बचाने के लिए नागार्जुन ने झूठ बोल के आपने उसके बलिदान का अपमान किया है गुरुदेव।
नागमणि। मेरी नागमणि, बस 9 साल का इंतजार और उसके बाद इसकी सारी चमक, इसकी सारी ताकतें सिर्फ मेरे पास होंगी, सिर्फ मेरे पास।